मैं सुनील मजीठिया हूँ और मुंबई टेक्सटाइल मर्चेंट्स महाजन के सेक्रेटरी के पद पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। ये फेयर के बारे में जो हमें आइडिया आया वो हमारे बाकी भी जो कलीग्स है, भावेश गोरड़िया है, दिव्येश पंचमतिया है, आनंद कोठारी है, आनंद शारडा है, इन सब की आइडिया से हमने एक साल पहले फेयर करना चालू किया और वो फेयर को अभूतपूर्व रिस्पॉन्स मिलने के बाद अब हमारा ये दूसरा फेयर है जो कि एक नया प्रयोग है। ये जो आप एसी जर्मन हैंगर देख रहे हैं उस हैंगर का अंदर आज कपड़े बाज़ार का ये पहला फेयर हो रहा है। आज तक आपने इस टाइप के हैंगर के अंदर फोटो शोज़ देखे होंगे, फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, नॉन एसी हैंगर्स में पॉलिटिशियंसों की रैली होती है, मगर कपड़े का ये पहला फेयर पूरे हिंदुस्तान में है जो कि इस तरह के एसी हैंगर में होते हैं। और इसके अंदर भी हमारे सारे एग्जीबिटर्स को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, फुटफॉल काफ़ी अच्छा है। अब तक करीबन डेढ़ दिन के अंदर 7-8 हज़ार आदमी आके गए, विजिटर्स आके गए हैं और अभी कंटिन्यूसली रजिस्ट्रेशन चालू है और लोगों का आना चालू है। जब हमने पहली दफ़े फेयर किया था वो सहारा स्टार में किया था, तो सहारा स्टार के अंदर ऐसा था कि हमने बुकिंग किया तभी कोविड चालू था, मगर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट ने थे वो ईज ऑफ कर दिए थे, तो हमें उम्मीद थी कि भाई फेयर बहुत अच्छा जाएगा और वो हमने इसी तारीखों में रखा हुआ था जनवरी में। मगर जनवरी में फेयर 9 और 10 को था और 27 दिसंबर को ओमिक्रॉन आ गया जिसके हिसाब से वापस रिस्ट्रिक्शन आ गए और हमें हमारा फेयर डिले करना पड़ा 29 और 30 जून के ऊपर। और ओरिजिनल डेट 29 और 30 जून 2021 की थी, मगर उस टाइम पे कोविड आ गया तो वो फेयर एक्सटेंड होके 2022 जनवरी में चला गया, वहाँ पे ओमिक्रॉन आ गया तो फेयर वापस हो गया जून में। मगर जून के अंदर सबको बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स मिला क्योंकि कोविड के बाद पहला फेयर हो रहा था बम्बई के अंदर और ओनली फैब्रिकेटर्स का ये फेयर है। ये फेयर के अंदर हम लोगों ने मुंबई मार्केट को बूस्ट करने के लिए सिर्फ मुंबई के पार्टिसिपेंट्स को ही अलाउ किया है। हमारे पास काफ़ी सारी इंक्वायरी आई थी सूरत से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, जयपुर से, कलकत्ता से कि भाई हमें भी फेयर में पार्ट लेना है तो आप हमें अलाउड कीजिए, मगर हमने वो मना कर दिया कि भाई वो अलाउड नहीं होगा क्योंकि हमको मुंबई मार्केट बूस्ट करनी है और मुंबई के व्यापारी हो और मुंबई का धंधा बढ़े, इसलिए हमने ये फेयर का आयोजन किया है और यही हमारा मोटिव है और यही मोटिव से हम आगे भी काम करते रहेंगे। बाजार एक बहुत ही बड़ा और विस्तृत बाजार है, हर एक मार्केट की अपनी एक स्पेशलिटी है। जैसे कि मुंबई के अंदर लोग बोलते हैं कि भाई अब धंधा नहीं रहा, मगर मुंबई फैशन हब था, है और रहेगा। यहाँ से फैशन निकलती है, यहाँ से प्रिंट्स निकलती है, यहाँ से नई नई क्वालिटियाँ डेवलप होती है, उसके बाद में बाकी मार्केट उसको फॉलो करके अपने हिसाब से अपनी क्वालिटियाँ प्रिंट्स वो सब बनाते हैं, बेचते हैं। डेफिनेटली हमें किसी को छोटा नहीं बनाना है, ना छोटा करना है, हमको आगे बढ़ना है। किसी को काटने से हम बड़े दिखेंगे मगर हमको उनसे आगे चल के अपने आप को बड़ा दिखाना है, तो यही हमारा मोटिव है। जैसे कि बम्बई के अंदर आज ये जो हमारा फेयर है इसके अंदर पिछले साल हमने देखा था कि काउंटर्स वाले यानी स्टोर लाइन्स वाले ज़्यादा आए थे, गारमेंट वालों ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। हमारा फेयर भी पहला ही था तो वो हिसाब से भी फ़र्क पड़ता था, लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मगर आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि बम्बई के गारमेंटर्स भी फेयर के अंदर आए हैं, काफ़ी इंटरेस्ट दिखाए हैं, उन्हें बहुत सारी वेराइटीज़ नई वेराइटीज़ देखने मिली है, तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सेकेंड थिंग, इंटरनेशनली हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं कि हमारी बातचीत एक ऑर्गेनाइज़र से चल रही है जिनका यूके में शो होने वाला है और उसके अंदर वो बहुत ही हमें इंसिस्ट कर रहे हैं कि महाजन हमारे साथ जुड़े और इंटरनेशनल लेवल पे महाजन को ख्याति मिले और एक्सपोर्टर जो इम्पोर्टर्स है वो मुंबई के फेयर में पार्ट लेवे और मुंबई के बड़े एक्सपोर्टर्स है वो यूके के फेयर में पार्ट लेवे, तो इस बारे में हमारी बातचीत चालू है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो मैं डेफिनेटली सबको बताऊँगा। महाजन ने नक्की किया था पहले कि हम साल में दो दफ़े फेयर करेंगे, मगर अभी ऐसा हो गया है कि
फेयर हर एक सिटी वाले अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे जयपुर कर रहा है, कलकत्ता एक्सपो हो रहा है, चेन्नई में गारमेंट्स रिलेटेड फेयर्स हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, अहमदाबाद हो रहे हैं, सूरत हो रहे हैं, बम्बई में इटसेल्फ काफ़ी सारे एसोसिएशंस अपने फेयर कर रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि कोई भी चीज़ की ओवरडोज होती है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो महाजन ने नक्की किया कि हम साल में एक दफ़े फेयर करेंगे जिसके अंदर सारी बड़ी लीडिंग ब्रांड्स पार्टिसिपेट करेंगी, बड़े नाम वाले, बड़ी मिल वाले पार्टिसिपेंट करेंगे, और उनके लिए उनके विजिटर्स जो आएंगे वो विजिटर्स बाकी के हमारे बम्बई के छोटे ट्रेडर्स के पास जाए और माल लिखावे। तो इससे ऐसा होगा कि उनके साथ बड़ों के साथ छोटे का भी एक डेवलपमेंट का स्कोप मिल जाता है। तो यही हमारी मेन मोटिव है हमारा। मुंबई फैशन हब है तो हमारे जो एग्जीबिटर्स जिन्होंने पिछले साल स्टॉल लिए थे वो इतने सारे उन लोगों को इंक्वायरीज आई और इतना सबका धंधा बढ़ा तो वो हिसाब से उन्होंने उनमें से 70-80% लोगों ने पार्ट में रिपीट फेयर लिया है। फर्स्ट फेयर में हमारे पास टोटल जो थे 60 पार्टिसिपेंट्स थे, इस दफ़े हमारे पास 90 से 100 के बीच में पार्टिसिपेंट्स हैं। तो एक हमारे लिए भी बहुत बड़ा बूस्ट है और आने वाले व्यापारिया विजिटर्स को भी नई नई वेराइटी देखने मिलेंगी, क्योंकि अभी हम इससे भी बड़े पैमाने पर ये फेयर बना करने जा रहे हैं अगले साल, जिसके अंदर और पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे, लोगों को नई वेराइटी मिलेंगे और डिफरेंट फील्ड के पार्टिसिपेंट को हम एंकरेज कर रहे हैं कि आप पार्टिसिपेंट कीजिए ताकि आने वाले विजिटर्स को कुछ ना कुछ नया मिल जावे और सबका साथ सबका विकास के हिसाब से सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बम्बई में है उसका डेवलपमेंट हो।